तो और भाई लोग कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज हम आपको एक ऐसे शहर के बारे में छोटी सी जानकारी देने जा रहे हैं जिसकी खूबसूरती को देखने के लिए दुनिया भर से सैलानी आते हैं। जी हां, एक ऐसा शहर जिसे बावन ताल तलैयों का शहर भी कहा जाता है। एक ऐसा शहर जो अपने संस्कार और मेहमान नवाजी के लिए पूरे राज्य में जाना जाता है। एक ऐसा शहर जिसे पूरे राज्य में संस्कारधानी के नाम से भी जानते हैं। इतना ही नहीं, इसी शहर से स्नूकर खेल की शुरुआत भी हुई थी। एक ऐसा शहर जहां पूरे राज्य का न्याय होता है। एक ऐसा शहर जो अपने संगमरमर की चट्टानों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश राज्य का एक खूबसूरत शहर जबलपुर के बारे में। जबलपुर तकरीबन 367 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और 2011 की जनगणना के अनुसार जबलपुर की जनसंख्या 12 लाख से ऊपर थी। जनसंख्या के मामले में जबलपुर भारत का 37वां और मध्य प्रदेश का 3रा सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है। वहीं जबलपुर जिला मध्य प्रदेश में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला भी है। वहीं शहर की प्रत्येक आबादी 472 प्रति वर्ग किलोमीटर पर रहती है। जबलपुर महानगर के साथ साथ एक जिला और एक संभाग मुख्यालय भी है। जबलपुर संभाग के अंतर्गत 8 जिले आते हैं जो इस प्रकार है: कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी शामिल है। वहीं जबलपुर जिला 10 तहसीलों में बटा है: मझोली, कुडम, जबलपुर, पाटन, सिहोरा, पनागर, शाहपुरा, रांझी, गोरखपुर और अधारतली। जबलपुर की आबादी में 87.65% हिंदू, 8.27% मुसलमान, 1.37% जैन, 0.94% ईसाई, 0.60% सिख, बाकी अन्य धर्म के लोग शहर में निवास करते हैं। भारत के पवित्र नदियों में से नर्मदा नदी जबलपुर शहर की मुख्य नदी है। मध्य प्रदेश राज्य का उच्च न्यायालय भी जबलपुर शहर में ही स्थित है। इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा फ्लाईओवर जबलपुर शहर में ही बन रहा है। जबलपुर शहर 5 राज्यों का सेना मुख्यालय भी है। जबलपुर शहर को जुब्बलपुर और संस्कारधानी भी कहा जाता है। ये शहर राज्य के महत्वपूर्ण प्रशासनिक, औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र भी है। यहाँ पर कई कारखाने और नर्मदा कृषि एरिया शामिल है। यहाँ पर ज्वार, गेहूं, चावल, बाजरा, तिलहन, कपास, गन्ना एवं आदि फसलें उगाई जाती हैं। इसके अलावा जबलपुर में वाहन कारखाना, ग्रे आयरन फाउंड्री, गन कैरिज फैक्ट्री एवं आयुध निर्माणी खमरिया यहाँ स्थित है। जबलपुर की साक्षरता दर 89.13% है। वहीं शिक्षा संस्थानों में LNCT जबलपुर, ज्ञान गंगा कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, हितकारिणी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, MP मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी, माता गुजरी गर्ल्स कॉलेज, गवर्नमेंट साइंस कॉलेज जैसे कई अन्य शिक्षा संस्थान यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर बोले जाने वाली भाषाएं हिंदी, बघेली, बुंदेली, उर्दू, बंगाली, मराठी, पंजाबी और सिंधी है। जबलपुर का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि भारत के ऐतिहासिक शहरों का है। यहाँ पर कलचुरी, गोडवाना, मराठा और मौर्य साम्राज्यों का शासन रहा है। पौराणिक आधार पर देखें तो जबलपुर भृगु ऋषि के तपोस्थली रहा है। जबलपुर शहर कभी त्रिपुरी तेवर ग्राम के नाम से जाना जाता था। जबलपुर को बावन ताल तलैयों का शहर भी कहा जाता है जो इस शहर की विरासत और पहचान है। जबलपुर शहर कैसे पहुंचे? जबलपुर रेल, वायु और सड़क परिवहन से जुड़े हुए हैं। जबलपुर रेलवे स्टेशन भारत के सभी रेलवे नेटवर्क वाले शहरों से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जबलपुर अपने सड़क मार्ग के जरिए मध्य प्रदेश और पड़ोसी राज्यों से जुड़े हुए हैं। वहीं जबलपुर का दुमना एयरपोर्ट अपने वायु मार्ग के जरिए
बिलासपुर, बेंगलोर, इंदौर, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली और पुणे से सीधे जुड़े हुए हैं, जिनके जरिए आप जबलपुर शहर आसानी से पहुंच सकते हैं। जबलपुर में कई खूबसूरत पर्यटक स्थल मौजूद हैं, जिसे दुनिया भर से सैलानी देखने के लिए आते हैं। आइए जानते हैं जबलपुर की वो कौन सी खूबसूरत पर्यटक स्थल है जिनके बिना जबलपुर का भ्रमण अधूरा है। भेड़ाघाट, संगमरमर की चट्टाने, धुआंधार जलप्रपात, ग्वारी घाट, रानी दुर्गावती संग्रहालय, 64 योगिनी मंदिर, मदन महल, कचनार सिटी शिव मंदिर, बरगी डैम, डुमना नेचर रिजर्व पार्क, तिलपारा घाट, ब्लेसिंग रॉक्स, भंवर ताल गार्डन, संग्राम सागर झील, बड़ा जैन मंदिर, पिसनहारी की मड़िया, रामूजी वाटर पार्क, देवताल गार्डन एवं तालाब, सी वर्ल्ड वाटर पार्क, पाठ बाबा मंदिर, लम्हेटा घाट, बाज नामठ मंदिर, तिरपुर सुंदरी मंदिर यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।